शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की 7 मार्च को प्रस्तावित रामनगरी की यात्रा की तैयारी के सिलसिले में गुरुवार को शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने मंत्रिपरिषद के साथ रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। यहाँ वह सरयू की आरती भी करेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे की अयोध्या यात्रा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह उनकी तीर्थ यात्रा की तरह है। उनके साथ शिवसेना के मंत्री, सांसद और विधायक रहेंगे। इसके साथ ही जो भी आना चाहिए आ सकता है। भगवान राम ने ठाकरे परिवार और शिवसेना को आशीर्वाद दिया जिससे सरकार बन गई और इसीलिए उनके चरणों में माथा टेकने उद्धव ठाकरे आ रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सरकार पर राम जी की कृपा है, इसमें कोई राजनीति नहीं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने तो राम राज्य की बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा, 3 विपरीत विचारधारा के दल, लेकिन 100 दिन सरकार ने पूरे किए। महाराष्ट्र में राम राज की सरकार, महाराष्ट्र में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चल रही है। कोई ऐसा विषय नहीं लिया जिससे सरकार को दिक्कत हो, धार्मिक विचार या अन्य कोई विषय, प्रभु राम के आदर्श पर सरकार चल रही है। संजय रावत ने कहा, महाराष्ट्र को हम अयोध्या मानते हैं। उन्होंने कहा, राम मंदिर ट्रस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों को रखा जिनका कार्य अनुभव बहुत उम्दा है। संजय रावत ने CAA पर टिप्पणी की। CAA के विरोध प्रदर्शन में हुई हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। उन्होंने कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर देश की जनता में प्रश्न चिन्ह है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अहमदाबाद में थे, पूरी सरकार वहां थी। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली चुनाव में सड़कों पर पर्चे बांटे थे। लोग चाहते थे कि गृह मंत्री हिंसाग्रस्त इलाकों में सड़क पर उतरकर हिंसा रोकने के लिए कुछ पहल करते। विपक्ष अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। यदि बीजेपी विपक्ष में होती तो वह भी गृह मंत्री का इस्तीफा मांगती। राजनीति में इस्तीफे मांगने की परंपरा है। वहीं संजय राउत ने दिल्ली के चुनाव परिणाम पर बीजेपी को घेराते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की तारीफ किया। दिल्ली का चुनाव बीजेपी ने धार्मिक आधार पर लड़ने की कोशिश किया, धर्म के आधार पर अब चुनाव देश में नहीं लड़ा जाएगा। दिल्ली की जनता ने काम के आधार पर वोट दिया। केजरीवाल से मतभेद जरूर है, लेकिन उन्होंने काम किया। शिवसेना सरकार में जरूर है, लेकिन चेहरा हिंदुत्व का है। शिवसेना का चेहरा व आत्मा कभी नहीं बदलेगी। देखिए, लॉ ऑर्डर की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर के बारे में देश के मन में प्रश्न चिन्ह जरूर निर्माण हुआ है, ये तो सच है। तीन चार दिन तक हिंदुस्तान की राजधानी हिंसा से जल रही थी। लोग 27 से ज़्यादा लोग मर गए, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी हैं। 4 दिन तक सरकार का कोई अता पता नहीं था। मिस्टर ट्रंप अहमदाबाद में थे, केंद्र की पूरी सरकार अहमदाबाद में थी। गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर देश के राजधानी में इस प्रकार की हिंसा हो रही है और पूरे विश्व में ये हिंसा, पूरा विश्व इस हिंसा का तांडव देख रहा है, तो जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री दिल्ली विधानसभा के चुनाव में पर्चे बांट रहे थे CAA के बारे में, तो लोग चाहते थे कि गृह मंत्री जी भी सड़क पर उतरकर हिंसा को नियंत्रण करने के लिए कुछ ना कुछ पहल करनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये नहीं दिखा है। तो जो अपोजिशन है वो सवाल खड़ा करेगा कि अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग हो रही है, अगर दूसरे किसी की सरकार होती आज केंद्र में और कोई गृह मंत्री होता तो बीजेपी भी ये प्रकार की मांग करती। अगर लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा है तो गृह मंत्री कोई और है तो कोई भी अपोजिशन पार्टी किसी भी दल का हो, वो तो सबसे पहले गृह मंत्री का इस्तीफा ही मानता है। जब शिवराज पार्टी बाद भी परिणाम नहीं आया। देखिए, दिल्ली का चुनाव धार्मिक आधार पर लड़ने की कोशिश बीजेपी ने की। धर्म के आधार पर इस देश में अब चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, काम के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। और दिल्ली की जनता ने जो मतदान किया है वो काम के आधार पर किया है। केजरीवाल जी से हमारे मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन काम तो हुआ है और सभी स्तर के लोगों ने उनको मतदान किया है।
नवी दिल्ली के लोगों ने किया है, पुराने दिल्ली वालों ने किया है, उसका मतलब ऐसा है कि लोगों ने केजरीवाल जी को पसंद किया है। अब उद्धव जा रहे हैं बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री बने, सरकार बनी है, तो ऐसे में प्रभु श्री राम जी के चरणों में माथा टेकना, दर्शन लेना, आशीर्वाद लेना, ये हमारा कर्तव्य है। तो हम सब लोग उद्धव जी के नेतृत्व में 7 मार्च को अयोध्या में आ रहे हैं। बड़ा प्रोग्राम नहीं है, कोई राजनीति नहीं उसमें, बस रामलला को नमस्कार करना है और सरयू की आरती में भी उद्धव जी मुख्यमंत्री जी शामिल होंगे, हमारे मंत्री जी आएंगे, हमारे विधायक दल के सभी लोग आएंगे, सांसद आएंगे, छोटा सा कार्यक्रम है सर। क्योंकि महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है और वहाँ पर सभी के सहयोग से सरकार, देखिए अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने हैं शिवसेना की तरफ से, तो मुझे लगता है कि रामराज्य की बात होनी चाहिए। सरकार में 3 ऐसे दल हैं जिनकी विचारधारा अलग है, विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, इस प्रकार की सरकार बन सकती है या बनी है उसमें अभी भी लोग विश्वास करने को तैयार नहीं। 100 दिन पूरे हो गए, सरकार ठीक से चल रही है और चलेगी, तो मुझे लगता है कि ये प्रभु राम की कृपा से भी सरकार चल रही है सर। क्योंकि विपरीत धारा के लोग हैं आपके साथ में, तो क्या हो सर, सरकार विपरीत धारा के लोग होने के बावजूद अगर चलती है, उसका मतलब है हमने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है वो है रोटी कपड़ा मकान, रोजगार, सोशल जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये प्रमुख स्तंभ होते हैं सरकार चलाने के लिए, उसके ऊपर सरकार चल रही है। किसी ऐसे विषय हमने नहीं लिए हैं जिसके ऊपर सरकार को अब कोई सामने कठिनाई पैदा हो, या धार्मिक हो या और कोई हो, किसी भी देश की और राज्य की सरकार चलती है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसमें रोटी कपड़ा मकान और रोजगार, ये महत्वपूर्ण विषय है, और उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में इस प्रकार से ही सरकार का काम चल रहा है। सर पहले लोगों से मिल रहा हूँ, लेकिन हमारे आने से यहाँ जो मंदिर निर्माण का जो कार्य बनने जा रहा है उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। हमारा सीधा सा कार्यक्रम है, दर्शन करो और जाओ। यहाँ एक ट्रस्ट बना है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, ट्रस्ट अपना काम करेगा और वो कोई राजनीतिक ट्रस्ट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसमें ऐसे कुछ लोगों को रखा है जिनको प्रशासन का और इस प्रकार के निर्माण का बहुत ही उम्दा अनुभव है। तो अब मुझे लगता है जल्दी ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा,